हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोनिका। आज का डे बहुत ब्यूटीफुल है। एक्चुअली टुडे इज माय फेवरेट डे। और क्यों? क्योंकि आज किया का बर्थडे है। ये डे मैं अपनी लाइफ का कभी नहीं भूल सकती। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ माय लाइफ। कि उस दिन मुझे कितनी खुशी हुई थी, पहली बार मुझे पता चला था कि खुशी का आंसू क्या होता है। मुझे ही नहीं, राहुल को भी पहली बार पता चला था खुशी का आंसू क्या होता है, क्योंकि वो भी उस दिन रोए थे किया को देखने के बाद, क्योंकि वो मेरे साथ थे लेबर रूम में। बहुत सारी कहानियां साइड बाय साइड सुनाती रहूंगी किया के बर्थ की। आज किया का है 6th बर्थडे। आज क्या क्या करने वाले हैं वो आपको थ्रू आउट द ब्लॉग पता चलेगा। सो स्टे। ये रही हमारी बर्थडे गर्ल। हाय तो कर दो सबको। ये क्या हालत हो गई है, चलो किक करते हैं। हम लोग आए यहाँ पे लिटिल मंचकिन पे प्ले करने। चल रहे हैं यहाँ पे। ये होता है रियल सेंस में बर्थडे सेलिब्रेशन, जिसमें बच्चा खुद एंजॉय करता है। अगर कुछ भी इससे ज्यादा ग्रैंड करने की कोशिश करता है तो बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, परेशान रहता है। यहाँ पे मेरी शानू भी एंजॉय कर रही है। देखो मेरी शानू भी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये प्लेसेस ऐसे बहुत सारी है दिल्ली में, लेकिन जहाँ पे हम हैं वो जीके में है, लिटिल मंचकिन करके। और यहाँ के चार्जेस वगैरह सब उनकी वेबसाइट पे सर्च करके मिल जाएगा। ये कैफ़े एरिया है जहाँ पे हम बैठ के अब रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी शान को देख रही है, बाकी तीनों बच्चों को देखने के लिए ऐसा कुछ है नहीं इंजॉय करने वाले।
गाइस, लेक सिटी, यहाँ पे हम करने वाले हैं डिनर। तो फर्स्ट टाइम आ रही हो आप? आए हो पहले? फर्स्ट टाइम आ रही हो? इससे पूरे में खाने पीने का ऊपर नीचे सब चल। यहाँ पे मैं और साहिब ना केक ढूंढ रहे हैं, क्योंकि किया को चाहिए यूनिकॉर्न या रेनबो वाला केक। हमें यूनिकॉर्न और रेनबो वाला केक नहीं मिला। हम लोग अब कोई चॉकलेट वाला केक देख रहे हैं अच्छा सा। गलती मेरी है, मुझे प्री ऑर्डर करना चाहिए था, कहीं पर प्रिपेयर रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मुझे कहीं पर नहीं मिला। तो दोनों मॉल ढूँढने के बाद, घूमने के बाद, हमने फाइनली एक चॉकलेट केक डिसाइड करा है जो कि टेस्टी होगा, क्योंकि जो उसका रात वाला था ना उसको बहुत टेस्टी लगा था। तो बेसिकली हम अब टेस्टी केक ले रहे हैं ज़्यादा देन किसी डेकोरेटेड केक छोड़ के, क्योंकि बहुत ढूंढ लिया नहीं मिल रहा ना, कोई नहीं उसको चॉकलेट भी अच्छा लगेगा। अब देखते हैं बच्चे क्या कर रहे होंगे। बहुत लेट हो गया, कुछ खा लो पी लो अब। तो कन्नू अभी बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, और मैं छोड़ कर चुपचाप भागी हुई हूँ। नहीं, मम्मी मुझे बोल देती हैं कि जा तू, मैं देख लूँगी, जब ज़रूरत नहीं भी होती ना तो ही बोलती है जा तू, मैं देख लूँगी। और देखो वहाँ पे किया और अयान कार में, इसका फ्रॉक भी नहीं आ रहा है उसमें, मुझे पता था ये सभी चल रहा होगा। देखिए सायरा और युगू भी है। किया किया अयान किया किया आपको प्रिंसेस वाली कार लेनी चाहिए थी ना। अच्छा, अपने आप चल सकती है, मैं इसकी फ्रॉक दिखाती हूँ, बहुत अच्छी ड्रेस है इसका, वो भी बड़ी मुश्किल से हमें मिली ये परफेक्ट वन। ड्रेस आई नहीं रही इस कार में। और ये रही इनकी बिग मम्मा, और ये रहे हमारी जीजा जी। जीजा जी आपको तो परेशान कर दिया होगा सायरा ने। बाय सायरा। यार ये हमारी प्रिंसेस आ रही है सामने से। क्या दिखाओ अपनी ड्रेस। हाँ जी, आप भी दिखाओ अपनी ड्रेस सायरा। ओ नाइस, कुछ नहीं हुआ योगू। मम्मा से आपको बताना शादी में बैठे हुए। जैसे बताया साहिब मेरे साथ केक ढूंढने के लिए गया होता तो अब साहिब की टर्न आई है। ये बाय। यहाँ पे मेरी लड़की की सर्कल चल रहा है, राउंड ले रही है, अपनी ड्रेस को एंजॉय कर रही है। बाय प्रिंसेस। ये इसका भाई चला रहा है इसको। साहिब, अभी साहिब ने किया को साथ में बिठा के एक राउंड करवाया है कि आ जाओ किया, आप तो बैठ जाओ मेरे साथ पीछे। और किसी को नहीं बिठाया था, मेरी मम्मी को भी उतार दिया था, सिर्फ अपनी बहन को बिठाया है। अच्छा, अब बहन आ गई है पूरे नखरों में, वो वाली दिखाओ, कैसे लगा, मजा आया? मम्मी और पापा बाहर है, चांद को लेके घूम रहे हैं। जैसे पंकज ने बोला ना आपे गिफ्ट चाहिए, तब से लड़की बोर हो रही है। पंकज दे देना इसको, पंकज पंकज दे दे गिफ्ट, गिफ्ट दे दे। अभी नहीं मिलेगा, केक कटिंग के टाइम पे मिलेगा।
कारण हो जाओ भाई के साथ चले बात नहीं आ रहा मेरे युगु को भी खिला दो। अच्छा आप खिला दो, आप खिला दो। भैया भैया केक सर्व कर दो नहीं तो हो गया मामला खराब। रुक जाओ, वेट 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 वेट। मम्मी आ गई, तेरी किस्मत खुलती है। अभी तो आती लो येलो आप भी आ लो। अभी भी लगा दी कुछ चाटी वही सबसे पहले भी आप भी खिला लो चाची को जल्दी। ओके ना को अरे बाजी बाबा। और ग्रैना को दादू को खिलाया? खाएंगे नहीं ना फिर। अभी स्पेशल बनवाया दादू। अच्छा खिला दिया था। और ग्रैना को राधा ग्रैना को लगी चाचू लगी चाचू लगी चाचू को लगी चाचू पूरे बेटा प्लेट दे दो। हंस दो अब तो साहिब, हंस दो अब तो। चुप हो जाओ साहिब। हाँ बच्चे अब रो रहे हैं हम लोगों को। हाँ छोटे बच्चे ऐसे करते हैं। कोई किसी बात पे नाराज है, किसी को केक खाना है, किसी को नहीं खाना है। हाँ जी हाँ जी बोलो। ये स्टंप पे डिबेट लेना देना पिछले 10 मिनट से तो यही सब चल रहा है। जाओ हो गए मेरे आपके पास है। आओ किया चाचू चाची के साथ। हम लोग घर पे आ चुके हैं। मेरा फोन ऑफ हो गया था वहाँ पे ही, मैं ज्यादा चीजें कैप्चर नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पे अब चल रहे हैं, गिफ्ट ओपन कर रहे हैं ये दोनों भाई बहन। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन कौन से गिफ्ट निकल गए। यहाँ पे दो मुझे, यहाँ पे दो, मैं रीड करती हूँ ये किसका है। यहाँ पे दो, ये है हैप्पी बर्थडे किया लव यू राधा ग्रैना। ये राधा ग्रैना की तरफ से, ये ओपन करो। देखो ये वाला है विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे किया दादू एंड ग्रैना। ये दादू एंड ग्रैना की तरफ से है, वो वाला राधा ग्रैना की तरफ से है। साहिब आ जाओ गिफ्ट ओपन करते हैं। ये वाला दिखाओ, ये वाला है हैप्पी बर्थडे किया वी लव यू। ये भी, ये चाचू और चाची की तरफ से। पोनी पोनी दिखा
दिखाओ दिखाओ, क्या पहले वो दिखाओ। राधा जी ने तो बहुत अच्छी चीज दी है। ये दादू और ग्रैना ने दी है। वाओ माशा एंड द बेयर। और ये स्केट्स भी हैं चाचू एंड चाची ने। मुझे स्केट्स दिखाना सोना, स्केट्स आपके बहुत काम आने, दिखाओ। अच्छा पोनी दिखा दूंगी। नहीं नहीं नहीं, पापा आपको स्केट्स स्टिच करने के लिए कह रहे थे ना, आप स्केट्स लेके चलेंगे ठीक है, फिर आप ड्राइव करना। ये वाला मामा की तरफ से है। ऐसा लिखने के लिए भी होता, मैं लिख देता। नहीं वो उस पे सब पे लिखा हुआ था, तूने ही लिखा। मेरे को पता ही नहीं था लिखने वाला भी है, मैं तो रैप करवा के मैंने खा लिया। ओ मरमेड वाली, कि आपको मरमेड वाली चाहिए थी ना, कैसे पता तुझे इसको मरमेड वाली चाहिए थी। थैंक यू तो बोल दो। पहले वाले के लिए आता है। मरमेड वाली डॉल आ गई, स्केट्स आ गए। ओए ओए, ये तो मेरे पास है, सानू के लिए है ये। ये पता क्या है, ये बोलेगा आपके साथ साथ। नहीं नहीं, आपको चाहिए था ना ऐसा। हाँ ये डोबी बोलता है, आप जो छोटू बेबी था आपके पास था ये वाला। अच्छा बहुत सारे हमारे पास, बहुत सारे। अच्छा अच्छा भाई, सानू के लिए नहीं है, आपके लिए। मुझे भी देखने दो ना। अब आप ये वाला देख लो, आपने ऐसा कुछ बताया। डायमंड वाला ये ओके। क्या ये आ गया आपका, क्या नाम है इसका? गुजर है बेटा। आ गया आपका गुजर। ओह क्या चाहिए आपको, किसको चाहिए? मैं इसको चाहिए, शानू को। ये शानू को चाहिए ये वाला। अच्छा अच्छा देंगे। आप कुछ बोलो। आप हंसने रो रहे। इसको कितना अच्छा लग रहा है। सब चुप रहो, शानू को करने दो। ऐसे ओपन करके आएगी हम। ये ली ऐसे। दिखाओ 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 दिखाओ, तो मैंने करने। ओ इधर दिखा दो, मामा को भी दिखा दो। ये वाला ग्रैना ने दिया है, पप्पी तब से कोई भी गिफ्ट ले लेना ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया जाके ले लेना। लेके उसे बैठा दियो, खड़ा कर दियो। मेरे पास बहुत सारे पैसे, मेरे पास बहुत सारे पैसे काकू। ये वाले अमित ने दिए हैं। ओके लो, किया और पैसे आ गए आपके पास। बनता जो पैदा होते हैं, किया अलग पैदा हुई, आप अलग बताओ आपका कैसा। तो पहले बब्बू का आएगा, फिर आपका आएगा, फिर किया का आएगा, फिर युग का आएगा। इतने जुलाई में आ जाएगा, दो मंथ है बस। टू मंथ बाकी है, उसके बाद इतने टाइम मिलेंगे। आपके पास किया रोएगी कोई देख के, किया तो हंसेगी, मेरे भाई का बर्थडे आया। ऐसे किसी के बर्थडे पे नहीं रोते भाई, सबको मिलते हैं टाइम। आपका
मम्मी पापा कितने गिफ्ट लाए, किसी का साथ किसी, आपको साथ पैदा हुए थे तो साथ आएगा, सबका अलग अलग आता है, आप अलग पैदा हुए। कैसे? लेकिन पता भी नहीं चलेगा, ये जो फटाफट दिन चले जाएंगे, एकदम बर्थडे आ जाता है सबका, एक साल बाद ही आता है सबका। कब चलेगा? मना तो था आपका, मेरा भी एक साल में आया, सबका एक साल में आता है।